नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन पर उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से इस्तीफा देने के साथ साथ एमएलसी का पद भी छोड़ दिया और उसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने जो है अपनी नई पार्टी बनाने का फैसला लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो नई पार्टी बनाई है उसका नाम रखा है राष्ट्रीय लोक जनता दल। पहले ये रालोसपा हुआ करता था, लेकिन अब इनकी पार्टी का जो नाम है वो है राष्ट्रीय लोक जनता दल। इसका ऐलान खुद उपेंद्र कुशवाहा ने किया। दो दिवसीय मीटिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा को इस पार्टी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। क्या कुछ कह रहे हैं ऐलान करते हुए नई पार्टी का उपेंद्र कुशवाहा, एमएलसी का पद और जदयू से के तमाम पदों से इस्तीफा देने के बाद किस तरीके से ऐलान कर रहे हैं, सुनवा। पार्टी का क्या एजेंडा वगैरह होगा वह सब फिर बाद में बताएंगे। अभी आप जानना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या होगा। हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे आरएलएसपी को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे। आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बजाता हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया, इसलिए आरएलएसपी नहीं है। हम तो सब छोड़कर आए थे, हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, यही नई पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल या जनता दल, की पूरी विरासत को समेट कर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 10-12 वर्षों तक संघर्ष चला नीतीश जी के नेतृत्व में और तब बिहार के लोगों ने नीतीश जी को आशीर्वाद दिया, नीतीश जी को ताकत दी। हम सब लोग भी उनके साथ संघर्ष के दौर में रहे। अब 2005 के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गई। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं।